भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ शख्सियात की जाती जिंदगी पर अब तक कई बायो फिल्में बन चुकी हैं। ताहम ऐसा पहली मरतबा है कि किसी बॉलीवुड सुपरस्टार अदाकारा ने अपने वालिद की जिंदगी पर खुद फिल्म बनाने का फैसला किया हो। दीपिका पादुकोण के मुताबिक वो अपने वालिद प्रकाश पादुकोण की जिंदगी पर फिल्म बनाने वाली हैं, जो बैडमिंटन के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। दीपिका ने उन मुश्किलात का जिक्र भी किया जिनका उनके वालिद को खेल के इब्तदाई अय्याम में सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि किस तरह इस मुश्किल राहों से गुजरकर उनके वालिद ने बतौर भारत के पहले प्लेयर आलमी सतह पर अपनी जगह बनाई। ये पहला मौका था कि दीपिका पादुकोण के वालिद को इस एजाज से नवाजा गया। उन्हें भारत के नायब सदर वेनिकन नीडो ने अवार्ड दिया। जब दीपिका पादुकोण के वालिद ने एजाज दिए जाने पर मुख्तसर तकरीर की तो दीपिका पादुकोण की आंखें छलक पड़ी और वो जज्बात को काबू में न रख सकी। अपने वालिद की जिंदगी के बारे में बनाई जाने वाली फिल्म के हवाले से बात करते हुए दीपिका पादुकोण ने बताया कि 1983 से कबल प्रकाश पादुकोण वो पहले इंडियन एथलीट थे जिन्होंने आलमी सतह पर इंडिया को मुतारिफ कराया और अपना नाम बनाया। दीपिका के मुताबिक उनके वालिद 1981 में बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। 2018 में जब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया तो उनका कहना था कि मैं तब वर्ल्ड चैंपियन बना जब खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा सहूलतें नहीं होती थीं। मैं किसी सिले पैसे या इनाम के लिए नहीं खेला, मैं सिर्फ अपने लिए खेला और ये देखना चाहता था कि मैं किस हद तक मुश्किलात का मुकाबला कर सकता हूँ। याद रहे कि साबका आलमी नंबर वन प्रकाश पादुकोण ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनने के अलावा 1980 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। वो पहले इंडियन खिलाड़ी थे जिसने ये दोनों एजाज हासिल किए। यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।